हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर कंपनी जैक्ट 2013 के ऊपर आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वन पर्सन कंपनी जी हाँ वन पर्सन कंपनी क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं देखिए ऐसा है कंपनी सेक्ट 2013 ने वन पर्सन कंपनी का एक्ट या वन परसेंट कंपनी का प्रोविज़न चालू किया है या वन परसेंट कंपनी को इंट्रोड्यूस किया है जनरली अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी हो तो कम से कम दो मेंबर्स चाहिए होते थे पहले लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई मेंबर्स या किसी पार्टनर या किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं होती जिनको अकेले काम करना बहुत पसंद है लेकिन फिर भी उनको कंपनी स्टार्ट करने की परमिशन पहले नहीं थी लेकिन कंपनीज एक्ट टू ने ऐसे लोगों के लिए लॉ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और अगर एक इंसान चाहे तो वो खुद अकेला वन पर्सन कंपनी देट इज़ एक कंपनी स्टार्ट कर सकता है विद लिमिटेड लाइबिलिटी और उसको नाम देना पड़ेगा वन पर्सन कंपनी कंपनी का नाम वन पर्सन कंपनी नहीं होगा ऑफकोर्स जो कंपनी का नाम रखना चाहे वो रखेगा लेकिन उसके ब्लैकेट में ओ पी सी या वन पर्सन कंपनी लिखना जरूरी है ताकि बाकी सारे लोगों को आइडेंटिफाई करने में ईजी रहे कि हाँ भाई ये वन पर्सन कंपनी है तो कंपनीउजेंड थर्टीन ने वन पर्सन कंपनी का लॉ इंट्रोड्यूस किया था आज हम लोग इस वीडियो में वन परसेंट कंपनी के बारे में जानेंगे तो चलिए वन पर्सन कंपनी के बारे में समझते हैं सबसे पहले वन पर्सन कंपनी इंट्रोड्यूस किया था जैसे मैंने अभी आपको बताया कंपनीज एक्ट 2013 में वो लिखा है द कंसेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी हैज बीन इन कंपनीज एक्ट 2013 विद द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स और कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे सबसे पहले फॉर्म बाय नेचुरल पर्सन वन पर्सन कंपनी बनना है या स्टार्ट करनी है तो एक ऐसा पर्सन जो नेचुरल पर्सन है वही स्टार्ट कर सकता है अब आपके मन में आएगा नेचुरल पर्सन क्या होता है नेचुरल पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो जिंदा इंसान है जिंदा इंसान का मतलब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी एक पर्सन होती है लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो कोई आर्टिफिशियल पर्सन वन पर्सन कंपनी नहीं फॉर्म कर सकता एक इंसान जो नेचुरल जैसे मैं हूं आप हैं जो मेरे वीडियोज देख रहे हैं सब हैं वो सब हम लोग स्टार्ट कर सकते कोई रोबोट या कोई वर, कोई और कंपनी या कोई आ, आर्टिफिशियल इनकॉर्पोरेटेड बॉडी वन पर्सन कंपनी नहीं फॉर्म कर सकती वन पर्सन कंपनी फॉर्म करने के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है इंडिया का रेसिडेंट होना भी जरूरी है तो वह लिखा है फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा ओपीसी कैन बी फॉर्म बाय नेचुरल पर्सन हु मस्ट बिन इंडियन सिटीजन जो इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए और रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए सिंपल है दूसरा एज अ प्राइवेट कंपनी मैंने आपको बताया था वन पर्सन कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बन सकती है पब्लिक नहीं बन सकती पब्लिक मतलब जिसके जिसके दैट इज होल्डिंग पब्लिक के पास भी हो जैसे रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है टाटा एक पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स पब्लिक के पास भी है तो वन पर्सन कंपनी ऐसा नहीं हो सकता पब्लिक कंपनी बनने की परमिशन नहीं है वन पर्सन कंपनी के पास तो वन पर्सन कंपनी कैन ओनली भी प्राइवेट तो वो लिखा है ओपीसी में भी रजिस्टर्ड एज प्राइवेट कंपनी विथ वन मेंबर एंड मे ऑल्सो है डायरेक्टर मतलब एक ही मेंबर होगा और एक ही डायरेक्टर होगा लिमिटेड लाइबिलिटी वन पर्सन कंपनी और एक

हाउएवर लेकिन अगर वन अगर वन परसेंट कंपनी का पेड अप कैपिटल एक लिमिट से बढ़ जाता है या उसका टर्न एक लिमिट से बढ़ जाता है तो वो वन परसेंट कंपनी नहीं रहता वो प्राइवेट बन जाता है ऑटोमेटिकली उसको कई का स्टेटस मिल जाएगा प्राइवेट तो वो लिमिट क्या है हाउ एवर द पेड अप कैपिटल अगर पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो जाता है कितना फिफ्टी लैक्स या उससे ज़्यादा और अगर उसका टर्नओवर ओवर दो करोड़ या उससे ज़्यादा जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको क्या मिल जाएगा प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस मिल जाएगा वन परसेंट कंपनी का स्टेटस नहीं रहेगा क्योंकि वन परसेंट कंपनी के कुछ लिमिटेशन होते हैं कि इतने छोटी है तभी वो वन परसेंट कंपनी है लेकिन अगर उसका अप केवल पचास लाख से ज़्यादा चला गया या टर्न ओवर करोड़ से ज़्यादा चला गया तो उसको ऑटोमेटिकली अपना स्टेटस चेंज करना पड़ेगा और ज़बरदस्ती प्राइवेट बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि कब एक वन पर्सन कंपनी ऑटोमेटिकली प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाती है तो आप आंसर लिखेंगे कि जब उसका पेड़ अप कैपिटल फिफ्टी लैक्स या उससे ज़्यादा हो जाता है या उसका टर्न ओवर टू करोड़ पर एन से ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको प्राइवेट कंपनी का स्टेटस मिल जाता है नॉमिनी हायर करना बहुत जरूरी है नॉमिनी को अपॉइंट करना हायर तो नहीं अपॉइंट करना बहुत जरूरी है नॉमिनी कौन होता है अगर वन पर्सन कंपनी मैंने स्टार्ट किया और मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद वो कंपनी कौन चलाएगा तो वो नॉमिनी होगा ऑफ कोर्स इस टाइप के नॉमिनेशन में उसका रिटर्न कंसेंट भी चाहिए जिस पर्सन को हम नॉमिनी बना रहे हैं फॉर एक्जाम्पल मैं किसी को नॉमिनी बना रहा हूँ तो उसका रिटर्न कंसेंट भी होना चाहिए कि हाँ भाई मैं नॉमिनी बनना चाहता हूँ जनरली नॉमिनी को क्या मिलता है सिर्फ और सिर्फ राइट्स मिलते हैं एसेट्स मिलते हैं लेकिन इस कम इस केस में नॉमिनी के पास लाइबिलिटीज भी आएगी इसलिए उसका रिटर्न कंसेंट बहुत जरूरी है तो वो लिखा हुआ है इट इज़ नेसेसरी फॉर ओ पी सी टू मैंशन द नेम ऑफ द नॉमिनी इन द एम ओ एम ओ ए में उसका नेम मैंशन करना जरूरी है लेकिन उसका प्री क्या चाहिए प्री कंसेंट भी चाहिए दैट इज उसका रिटर्न कंसेंट भी चाहिए वो लिखा हुआ है प्रायर कंसेंट रिटर्न कंसेंट जरूरी है कि हाँ भाई वो पर्सन नॉमिनी बनना चाहता है आगे देखने तो रिस्ट्रिक्शन टू तो शेयर्स देखिए वन परसेंट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता वो लिखा है आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द राइट टू ट्रांसफर इज शेयर्स एंड प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन ऑफकोर्स वन परसेंट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकता इसलिए उसके ऊपर वो भी प्रोहिबिटेड जैसे प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकती वैसे ही वन परसेंट कंपनी भी पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकती अदरवाइज वो पब्लिक कंपनी बन जाएगा अभी मैंने आपको समझाया वन पर्सन कंपनी कभी पब्लिक नहीं बन सकता उसको मैक्सिमम राइट right मिलता है कि वो प्राइवेट बन सकता है ए जी एम वन पर्सन कंपनी को एजीएम होल्ड करने की जरूरत नहीं ए जी एम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग मीटिंग कब होती है जब एक से ज्यादा लोग होते हैं वन पर्सन कंपनी में एक ही इंसान होता है एक ही इंसान किसके साथ मीटिंग करेगा अपने आप से तो क्या ही मीटिंग करेगा इसलिए ए जी एम दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिने जनरल मीटिंग के प्रोविजन वन पर्सन कंपनी पर लगते है? नहीं हैं और लास्ट में यूज़ ऑफ वर्ड ओ मैंने अभी आपको समझाया था जहाँ पे भी कंपनी का नाम लिखा होगा अगर वो वन पर्सन कंपनी है तो ब्रैकेट में ओ लिखना या वन पर्सन कंपनी लिखना जरूरी होता है हर एक वन पर्सन कंपनी के लिए ताकि जो भी इंसान है जो इस कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसको पता हो कि हां भाई ये वन पर्सन कंपनी है तो ये ओ लिखना ब्रैकेट के अंदर कंपनी के नाम के बाद इस जस्ट इन इंडिकेशन के ये जो कंपनी है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है कोई भी पर्सन वो वन पर्सन कंपनी है ये लोगों को मालूम पड़े तो वो लिखा है एज रिगार्ड द नेम ऑफ वन पर्सन कंपनी दैट प्रोवाइड दैट वर्ड्स वन पर्सन कंपनी और ओपीसी शेल बी मैं इन द ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी कंपनी के नाम के नीचे ओपीसी लिखना जरूरी है या वन पर्सन कंपनी पूरा फुल फॉर्म में लिखना जरूरी है ताकि कोई भी पर्सन जो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है उसको पता चले कि हाँ भाई ये वन पर्सन कंपनी है इट्स नेम इज प्रिंटेड पे भी नाम लिखा हुआ है कंपनी का प्रिंटेड है एफिक्सड है या एनग्रेवड है कंपनी का बोर्ड भी लगा हुआ है तो उसके नीचे भी ओपीसी या वन पर्सन कंपनी लिखना जरूरी है मुझे उम्मीद है आपको वन परसेंट कंपनी का कंसेप्ट समझ में आया होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ने का नहीं है कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड्स के हाथ ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी वन परसेंट कंपनी का बेनिफिट मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय